हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने सर्किट हाउस में नगर निगम, आईपीडीएस, जल निगम, पीडब्ल्यूडी आदि विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकर बरसात से पूर्व रोडों की मरम्मत, नाला सफाई, सीवर सफाई व मरम्मत आदि कार्य पूर्ण कर लिए जाने हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में विशेष रूप से आईपीडीएस के तहत रोडों की हुई कटिंग को ठीक करना है। विद्युत विभाग जहां जहां अंडरग्राउंड विद्युत का तार का कार्य पूर्ण हो चुका है, तत्काल एनओसी संबंधित पीडब्ल्यूडी व नगर निगम को उपलब्ध कराए ताकि सड़क मरम्मत भी होती जाए। आईपीडीएस के ठेकेदार को धनराशि की उपलब्धता के बाद समय से कार्य पूर्ण नहीं होने पर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने नाराजगी व्यक्त की और स्पष्ट रूप से कहा कि विभागीय नियम व शर्तें के तहत ठेकेदार से पेनाल्टी तो वसूली ही जाएगी, इसके अतिरिक्त जन सामान्य को परेशानी होने पर ठेकेदार के विरुद्ध FIR दर्ज कर कार्यवाही होगी। कड़े शब्दों में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि धनराशि उपलब्धता के बाद समय से कार्य पूर्ण होने को गंभीरता से लिया जाएगा और जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। अर्दली बाजार में महावीर मंदिर रोड 20 जून तक पूर्ण रूप से दुरुस्त कर ली जाए। नाटी इमली के पास पानी टंकी से समुचित पेयजल आपूर्ति होने की जानकारी पर जल निगम के अधिशासी अभियंता को 24 घंटे के अंदर निरीक्षण कर समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। बैठक में नगर आयुक्त गौरांग राठी सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। तत्पश्चात मंत्री रविंद्र जायसवाल ने स्मार्ट सिटी योजनागत निर्देशन में निर्माणाधीन तालाब का निरीक्षण किया। मौके पर निर्माण कार्य के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए मौके पर मौजूद ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण में मंत्री ने देखा कि नंबर 1 का ईंट बता कर मौके पर 2M दर्जे का ईंट और लाल बालू के स्थान पर महीन कंक्रीट का प्रयोग किया जा रहा था। नगर आयुक्त व चीफ इंजीनियर के समक्ष कार्यदायी संस्था के ठेकेदार ने स्वीकार किया कि बिना अनुमति के यह प्रयोग किया जा रहा है। हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेंगे।